नमस्कार दोस्तों, मैं मिसेस शोभा मेहता, पूर्व वाइस प्रिंसिपल दिल्ली पब्लिक स्कूल आरकीपुरम। अपने 40 साल के विद्यालयों में बिताए गए समय को मैं अब अपने देश के बच्चों के लिए बिताना चाहती हूँ। मैं अपने देश के बच्चों को से के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ कि किस तरह से आप इस कोरोना काल की असामान्य परिस्थितियों से जूझें, किस तरह से आप अपनी उलझनों को सुलझाएं। तो मैं उन सभी छात्रों को जिन्होंने 10वीं, 11वीं और 12वीं में प्रवेश लिया है, उनको संबोधित करना चाह रही हूँ। इन 40 साल में 26 साल मैंने दिल्ली पब्लिक स्कूल आरकीपुरम में बिताए, जिसमें हर साल 200 हॉस्टल में बच्चे भी आते थे। ये देश के सभी राज्यों से आते थे और उन 200 बच्चों के साथ मैं कंटिन्यूस इंटरेक्शन में रहती थी और उनकी हर समस्याओं का हल ढूंढना हम सबका काम होता था। तो अब मैं सोचती हूँ कि अब मेरा समय है, मैं आप लोगों को मिलूँ और आप लोगों से बातें करूँ। मैं आपको ये आश्वासन देना चाहती हूँ कि आपको इस समय, जो इतना असामान्य समय है, इसमें बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम आपको वो सभी हेल्प देंगे जो आपको अपनी मुश्किलों को आसान करने में मदद देंगे। जैसे मैं हर अपनी क्लास में जब मैं शुरू करती थी सेशन, तब मैं ये बच्चों को कहती थी कि यू कम टू अ न्यू क्लास, तुम नई क्लास में आए हो, अब ये सोच कभी मत सोचना कि तुम किसी चीज़ को करने में असमर्थ हो। इंग्लिश की दो लाइनें बताती हूँ, व्हेन यू स्टॉप थिंकिंग व्हाट यू कैन नॉट डू, जब आप ये सोचना बंद करते हैं कि आप क्या नहीं कर सकते, तब यू स्टार्ट डूइंग व्हाट यू कैन, तब आप वो सब कुछ करना शुरू कर देते हो जो आप पहले सोचते थे आप नहीं कर सकते। कितना आसान है। आप ये मत सोचो कि गणित मुझे पिछली कक्षा में मुश्किल लगता था तो अभी भी मुश्किल होगा। नो, ये मत सोचिए। आप जो भी क्वेश्चन आपको मिलते हैं, सपोज एक्सरसाइज में 30 प्रश्न है, आपसे 2 हो रहे हैं, तो आप 2 करिए। ये मत सोचिए कि मैं बिल्कुल ही नहीं कर सकता, आप 2 तो कर सकते हैं। अगले दिन जब क्लास होगी, ऑनलाइन क्लास होगी, तब आप अपनी टीचर से डाउट पूछिए। ये डाउट पूछने का काम बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि टीचर्स जब पढ़ाती हैं वो फटाफट पढ़ाती चली जाती हैं, वो सोचती हैं सब बच्चों को समझ आ रहा है। अगर आप उनसे डाउट नहीं पूछेंगे तो वो रुकेंगे कैसे? उनका स्पीड ब्रेकर है आपका डाउट पूछना। तो आप डाउट्स पूछिए, जिससे कि आप क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 10, 20, 30 तक आप सब कर पाएंगे। तो आप ये बात ध्यान रखिए कि आप कभी मत सोचिए कि ये इम्पॉसिबल है, मैं कभी नहीं कर पाऊंगा या पाऊंगी, ये बहुत मुश्किल है, ये फिजिक्स मुझे समझ नहीं आ रही है, ये क्या मिरर्स हैं, ये क्या डायग्राम्स हैं, ये क्या सर्किट्स हैं, कुछ भी सब समझ नहीं आ रहा। आप फिक्र मत करिए, आप हर चैप्टर को छोटे छोटे हिस्सों में बांटिए और वो छोटे छोटे हिस्सों को पर कंसंट्रेट कीजिए, उसी पे आप ध्यान लगाइए। आप पूरा सिलेबस मत देखिए एक बार में, ये एक बहुत अच्छा तरीका है। दूसरी चीज़, आप अपने आप को मेहनत करने को तैयार रखिए। अब देखिए, जैसे आप बड़े होते जाएंगे, आपको और मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करने को अगर आप तैयार हैं तो आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। अब आप ये देखिए कि जो आपको काम मिलता है आप उसी दिन वापस आके करिए, क्लास में ध्यान से सुनिए, आधी चीज़ें तो उसी में सुलझ जाएंगी। पर आप मेहनत करने से किसी की हार नहीं होती, वो मालूम है ना, वो पूरी कविता आप पढ़िएगा, बहुत अच्छी कविता है। मेहनत करिए और अच्छे से मेहनत करिए, मतलब लिख लिख के याद कीजिए, लिख लिख के फॉर्मूले याद करिए, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में डायग्राम लिखिए, उसके बिना काम नहीं चलेगा। आप लेट के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथ्स नहीं कर सकते हैं, तो मेहनत करिए। आपको एक और बढ़िया लाइन सुनाती हूँ, यू कैनॉट क्लाइंब अ लैडर विद योर हैंड्स इन अ पॉकेट। आप सीढ़ी नहीं चढ़ सकते हो जो अपनी पॉकेट में हाथ डाल के घूमते हैं। पॉकेट में हाथ डाल के आप एक सीढ़ी नहीं चढ़ सकते। ये वो सीढ़ी है जो सीढ़ी टेक लगा के पेड़ पे खड़े होते हैं, या बिजली के खंभे में बिजली कनेक्शन ठीक करते हैं। आप बिना मेहनत किए काम नहीं कर सकते, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको हाथ उठाने पड़ेंगे, हाथ इस्तेमाल करने पड़ेंगे। और आप ये मत सोचिए बहुत ज़्यादा काम करने का है। एक 7वीं मंजिल में चढ़ने के लिए आपको एकदम तो 7वीं में पहुंच नहीं जाते, अगर स्टेयर केस यूज़ करनी है तो।
आपको एक एक स्टेप करके जाना है ना, तो आप बस पहले स्टेप को देखिए, दूसरे स्टेप को देखिए और धीरे धीरे आगे बढ़ते जाइए, ठीक है। एक और चीज़, आप किसी चीज़ की फिक्र मत करिए। चिंता जो है वो चिता समान है। आप फिक्र करते, मान लीजिए कोई आपसे गलती हो जाती है, कोई पेपर में आपसे मिस्टेक्स हो जाती हैं, या कोई आप समझ नहीं पा रहे हैं, आप चिंता में डूब डूब के वो चीज़ें सोचते जाएंगे जो कभी होंगी ही नहीं। मतलब चिंता जब आप करते हैं, देन यू थिंक ऑफ दोज थिंग्स विच में नॉट एग्जिस्ट एट ऑल। आप वो चीज़ें सोचते हैं जो कभी हो सकता है पॉसिबल ही ना हो। तो फिक्र मत करिए, फिक्र करने से ओवर थिंकिंग मत करिए, वरी मत करिए, ओवर थिंकिंग मत करिए। बार बार वो चीज़, बार 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 वो मत सोचिए, छोड़ दीजिए उसको, खुश रहिए। वो फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, याद रखिए। और हिम्मत मत हारिए, और अपने मेहनत से सब कुछ करिए, पिछली गलतियों को मत करिए। और एक बात ये सोचिए, एवरी प्रॉब्लम हैज़ अ सल्यूशन। कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं बनी है दुनिया में जिसका सल्यूशन ना हो। और आप जो है, आप सल्यूशन का पार्ट बनिए। आप ये पता करिए कि इस मुश्किल को मैं कैसे हल करूँगा। आप ये मत सोचिए कि ये प्रॉब्लम है, हे भगवान अब मैं कैसे करूँगा, आगे कैसे बढ़ूँगा, मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा। डोंट बी अ पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, बी अ पार्ट ऑफ द सल्यूशन। आप ये सब इस्तेमाल में लाइए जो मैंने कहा है। ये मत सोचिए, पहली बात ये मत सोचिए कि मैं ये नहीं कर पाऊँगा, कैसे करूँगा, बहुत मुश्किल है। नहीं, सिलेबस को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के वो छोटे छोटे टुकड़े याद कीजिए, हो जाएगा। वरी मत करिए, मेहनत करने को तैयार रहिए। देर इज़ नो हार्ड सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क। हार्ड वर्क के सिवाय कोई गुजारा ही नहीं है, आपको तो करना ही पड़ेगी, मेहनत तो करनी पड़ेगी भैया पास होना है तो। आप ये सोचिए आप अगले 10 सालों में अपने आप को कहाँ देखते हैं, उसके हिसाब से आप मेहनत करते जाइए, मदद लीजिए। नहीं तो आप मुझे अपने कमेंट्स में लिखिए आपको क्या परेशानी है, मैं किस बात पे, किस इशू पे बोलूं, मैं ज़रूर आपकी मदद करूंगी। क्योंकि अब मेरा काम आप सबको किस तरह से अपनी उलझने सुलझाना है वो है। तो अगर आपको इस चैनल से कुछ फ़ायदा हुआ है, आपको अच्छा लगा है, तो आप लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और उसमें फिर ये चैनल दूर दूर तक, इसमें जो मैंने बातें कही हैं वो पहुँचेगी, और हमारा आधा काम तो हो जाएगा। आई कीप मीटिंग यू, मैं आपसे मिलती रहूँगी, आपकी परेशानियों को सुलझाने की कोशिश करती रहूँगी। मेरा एक इंग्लिश चैनल भी है, लर्निंग मेड ईजी बाय मिसेस शोभा मेहता। कभी मन करे तो वो भी देखिए, इंग्लिश का सब्जेक्ट है आपका, आप और सीखेंगे। थैंक यू, शुक्रिया, नमस्कार।